नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश इकाई अध्यक्ष कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में 20 फरवरी को आधे दिन प्रदेश बंद का ऐलान किया था, जिसको लेकर कमलनाथ ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर जनता पर देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई की मार आम लोगों की कमर तोड़ने में लगी हुई है, जिसके कारण इसका विरोध करना जरूरी है। बता दें कि बंद से पहले कमलनाथ ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान हो रही है, इसीलिए सरकार के खिलाफ और आम लोगों को राहत देने के इरादे से कांग्रेस 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान करती है। कमलनाथ के इस ऐलान के बाद आज सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता लाउडस्पीकर से बंद को सफल बनाने और दुकान बंद रखने की अपील करते भी नजर आए। इस दौरान प्रदेश में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। कई जगह पर चाय, नाश्ते और किराने की दुकानें खुली दिखाई दी, तो कुछ दुकानें कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन बंद कराते भी नजर आए। इस दौरान भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पीर गेट, मंगलवारा और जिनसी चौराहे पर लोगों से बंद का समर्थन देने के लिए कहते नजर आए। वहीं इंदौर में महंगाई के विरोध में पीएम का पुतला फूंका गया। इस बीच डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस प्रदर्शन में कम ही कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेसियों ने यहां सड़क पर क्रिकेट खेला। ये कार्यकर्ता डीजल पेट्रोल के दाम की तरह रनों की सेंचुरी बनाकर प्रदर्शन करते नजर आए। बंद को देखते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच अरेरा पेट्रोल पंप बंद कराने गए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पार्षद गुड्डू चौहान के साथ 11 कार्यकर्ताओं को हबीबगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नई जेल में भेज दिया। बता दें कि इससे पहले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 9 बजे बिंटन मार्केट में गए थे, जहां उन्होंने खुली दुकानों को जबरन बंद कराना शुरू कर दिया। जबकि एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि दुकानें जबरन बंद नहीं कराई जाएंगी, जिसके बाद भी कार्यकर्ता दुकानों को जबरन बंद कराते हुए नजर आए। तो देखा आपने कि कांग्रेसी अपनी पार्टी के डूबते भविष्य को उभारने के लिए किस तरह की हरकतों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जो लोकतंत्र के कतई जायज नहीं है। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।